चांद चलने लगा का जो आज का एपिसोड था भाई, मतलब इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जिस तरीके से तारा को उसकी जो चाची ने साड़ी दी वो पहनाना हो, फिर तारा की बहन को नई ड्रेस दिलाने के बाद उसको पहनने के लिए मनाना हो, फिर तारा और देव के बीच में छोटी मोटी केमिस्ट्री थोड़ा सा एक फ्लर्टिंग जो हमें देखने को मिली वो हो, और जो देव है उसके लिए जो नए कपड़े उसकी बहन लेकर आई है उसको पहनने के बाद तारा और देव का दोनों का मिरर में एक साथ खड़ा होना हो, मतलब चीजें इतनी ज्यादा हुई हैं एक नेक्स्ट लेवल पर कि वो इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। बट जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कलर्स के शोज में जो स्टोरी है वो काफी धीरे धीरे चलती है, तो यही हो रहा है, एकदम से जो स्टोरी होगी एक बहुत बड़ा स्टेप लेगी और काफी सारे इंसिडेंट्स वो फटाफट दिखा देगी, बट फिर सडनली इतनी ज्यादा स्लो हो जाएगी कि शायद कछुआ भी उससे ज्यादा तेज चलेगा, जो कि हमें देखने को मिल रहा है स्टोरी में कि अभी जो दिवाली पार्टी का सीन है वो इतने दिनों से चल रहा है कि बारूद आया है, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर कैसे होगा, फिर क्या होगा, चल ही रहा है, बट अभी तक हमें ये नहीं पता कि आगे क्या होगा। 2 दिन से हम लोग एक ही चीज देख रहे हैं कि भाई तारा की साड़ी में आग लगेगी, उससे पहले तारा और देव के बीच में डांस वगैरह होगा, हमें बस यही देखने को मिल रहा है, बट एक्चुअल में कब ये होगा हमें ये नहीं पता। होप सो कल के एपिसोड में ही हो जाए, क्योंकि चीजें तो ऐसी ही लग रही हैं कि कल के एपिसोड में हो सकता है, बाकी देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या कहानी कहाँ से कहाँ जाएगी। बट एक बात तो है, तारा और देव दोनों की जोड़ी लगती बड़ी प्यारी है, फिर वो चाहे किसी भी कपड़े में हो, किसी भी टाइम पर हो, किसी भी सिचुएशन में हो, कैसी उनके बीच में फीलिंग्स हो वो मैटर नहीं करती, लेकिन उनकी जो एक जोड़ी है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग, उनके बीच की केमिस्ट्री उससे भी ज़्यादा अमेजिंग मुझे लग रही है, एंड आई होप कि आने वाले एपिसोड्स में इनकी जो केमिस्ट्री वो और भी ज़्यादा मतलब डीप तरीके से हमें दिखाई जाए, समझाई जाए, हमें समझ में आए कि इनके बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में हो रहा है। बाकी अभी ये बाकी है देखना कि किस तरीके से जो हमारी तारा है वो बचेगी, किस तरीके से जो हमारी तारा है वो अपने आप को, या फिर ये बोलूं कि जो हमारे देव भैया है तारों को बचाएंगे, और फिर आगे कहानी कैसे कैसे जाएगी, ये सब देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। बट बात यही है कि ये चीज़ जल्दी से जल्दी हो तभी ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का चांद चलने लगा का एपिसोड कैसा लगा, और चांद चलने लगा के आने वाले सभी एपिसोड के अपडेट्स और रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिलता हूँ चांद चलने लगा के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी रिव्यू और